नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 14 में विकास की बयार लगातार जारी है। हर जन प्रतिनिधि का सपना होता है कि वहां की जनता को सभी सुविधाएं वार्ड में ही उपलब्ध कराई जाए, परंतु इस सपने को साकार करने के लिए अनेक पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन पार्षद संजय प्रधान के अथक प्रयासों से अब वार्ड 14 के निवासियों को बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन इत्यादि के लिए दूर नहीं जाना होगा। आज से पार्षद कार्यालय पर खुले डाकखाने में ही पेंशन वितरण की सुविधा आरंभ कर दी गई है। पहले ही दिन लगभग 150 से अधिक लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ मिला। मीडिया को जानकारी देते हुए पार्षद संजय प्रधान ने बताया कि इससे पहले वार्ड के वृद्ध एवं जरूरतमंद लोगों को पेंशन लेने के लिए बसई या पटौदी चौक के नजदीक जाना पड़ता था, जिससे कि जनता को बहुत असुविधा होती थी। वार्ड की जनता की हर संभव सेवा करने के प्रयास जब सार्थक होते दिखाई देते हैं तो बहुत ही अधिक सुकून की अनुभूति होती है। देखिए, ये मेरे वार्डवासियों की एक बहुत लंबी मांग थी कि हमारी जो पेंशन है वो हमारे वार्ड में मिली हो, और इसके लिए हम पिछले 3 साल से लगातार माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी के अथक प्रयासों से ये कार्य सफल हो पाया। इन्हीं के प्रयासों से हमारे डाकखाना यहाँ पर वार्ड क्षेत्र के अंदर वार्ड 14 में डाकखाना खोला गया। 2 महीने पहले इस डाकखाने का इनोग्रेशन हुआ था और आज पहली दफ़ा हमारे इस डाकखाने पर मेरे वार्ड वासियों को ओल्ड एज पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सभी पेंशनें आज वितरित की जा रही हैं। वार्ड की जनता इस कार्य से बड़ी खुश है, क्योंकि मेरे वार्ड की जनता को बसई रोड पर जाना पड़ता था। वहाँ पर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, ना वहाँ पर बैठने की व्यवस्था थी, ना वहाँ पर खड़े हो सकते थे, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर जो हमने एक सपना आज से 5 साल पहले लेके चले थे कि हम अपने वार्ड वासियों को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं देंगे, तो आज हमारा वो सपना साकार हो गया है। आज हमारे इस कार्यालय पर डाकखाने की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, CSC की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं। वार्ड की जनता को अपने किसी भी कार्य के लिए कहीं भी नहीं भटकना पड़ रहा, एक ही छत के नीचे हम लोगों को सारी सुविधाएं दे रही हैं। देखो, वार्ड की जितने भी हमारे पेंशनर हैं, चाहे उसमें 1000 हैं, चाहे 2000 हैं, चाहे 3000 हैं, सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। अभी आज जो हमारा टारगेट है, लगभग 150 लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बुज़ुर्ग लोग, उनको हमने पेंशन वितरित कर रहे हैं, और अभी तो ये सिलसिला आज से शुरू हुआ है, आगे चलता रहेगा। काफ़ी अकाउंट हमारे ट्रांसफ़र हो गए हैं और कुछ अकाउंट अभी ऐसे जो ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, अगले हफ्ते तक वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये है कि मेरे वार्ड के जितने भी पेंशनर हैं वो सभी यहाँ से इसका सुविधा लेंगे, क्योंकि अदर जगह जाने में उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो बाहर जाने पर आती हैं, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनको किसी भी समय अपने सुबह से शाम तक आए, अपनी पेंशन लेंगे, कोई भी कार्य, चाहे कोई रजिस्टर्ड पोस्ट है, चाहे स्पीड पोस्ट है, या कोई सेविंग अकाउंट है, किसी प्रकार की कोई भी सुविधा यहाँ पर उनको आसानी से मिल रही है। हमारा नाम कमलेश नारायण श्रीवास्तव, मैं देवीलाल कॉलोनी में रहता हूँ, गुड़गांव। हमारे पार्षद संजय प्रधान जी हैं, अपनी जनता के लिए हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। जब भी जाओ इनके पास, हमेशा ये खुशी पूर्वक उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। आज ये पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है हमारे पास, यहाँ से जाने के लिए दूर दूर जाने के लिए टेम्पो लगाने पड़ते थे, उसके बाद समाधिक भी हमारा टाइम वेस्ट होता था, उसके बाद भी वहाँ कोई मतलब सुनवाई नहीं होती थी टाइम से। और यहाँ पे जो है हम आ गए हैं, हमारा पोस्ट ऑफिस यहाँ नज़दीक हो गया है, यहाँ होने से सबको जो है खुशी है। यहाँ 5 मिनट में हम घर से नज़दीक आए, पोस्ट ऑफिस नया खुल गया, इससे हमें बहुत वो जो तकलीफ थी वो दूर हो गई। और हमारे पार्षद जी हमेशा ही तैयार रहते हैं, हम तो पार्षद जी को ये करेंगे कि अगली बार भी हमारे पार्षद ही आओ। आज बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत दूर लेने जाते थे, आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आराम से बिठाया भी है, वहाँ तो धूप बहुत होती थी, खड़े रहते थे। हम पटौदी चौक जाते थे डाकखाना से। रति देवी, हम बसई रोड पर जाते थे, ना हमारे को वहाँ खड़े होने की सुविधा थी, ना बैठने की सुविधा थी, वहाँ बहुत कूड़ा कड़कट नहीं पड़ा रहता था, नहीं खड़े होते थे, धक्का मार देते थे, कोई कहीं कुछ क्या बोलते थे, ना ही वहाँ पेंशन की सुविधा लेने की, आगे पीछे जावे थे, लड़ाई झगड़ा, ना पानी की सुविधा, गर्मी ना सर्दी, कुछ नहीं था वहाँ पर हमारे को, हम बहुत परेशान थे। इसलिए हमने प्रधान जी से रिक्वेस्ट करी है, तो हमारी पेंशन आप यही मंगाओ जो हम सुखी से ले लें, मैंने तो हमारे ऊपर चलना बाकी नहीं, किराएदार किराया लेके जाते हैं तो किराया भी मिलता, लेके जाते हैं खर्चा करके, फिर भी हमारे कुछ नहीं मिलता वहाँ पर, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। वहाँ जा करके तो बहुत परेशानी थी हमें, सुबह 6 बजे 6:30 बजे निकलना पड़ा, वहाँ पर लाइन लगी रही, लंबी ना पानी ना कुछ, ना खड़े होने की जगह ना बैठे, ना तो घर से चौकी लेके जाऊँगी, ना कुछ भी नहीं था वहाँ पर, ना बाथरूम का ना कुछ,
धक्के मार मार के चलो पीछे हो पीछे हो पीछे हो, आज नहीं मिले कल में, कंप्यूटर खराब है, अब पैसे खत्म हो गए, ये हाल था वहाँ, बहुत परेशानी थी। हाँ हम बहुत खुश हैं, हमारे घर के पास ही है, प्रधान जी हमारे खुद अपने ही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इनसे खुश है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच, और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। नमस्कार।